हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वे लॉकेट आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ द सी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सी लॉज की हिस्ट्री ओरिजिन ग्रोथ लेजिस्लेशन और ट्रिब्यूनल के बारे में उसके साथ हम जानेंगे कि मेरेटाइम जोन्स क्या होते हैं इंटरनेशनल सी बेड माइनिंग क्या होती है और इंडिया की मेरेटाइम पॉलिसी और लॉज की डेवलपमेंट को ट्रेस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ़ द सी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की लॉ ऑफ द सी की शुरुआत हुई एज ए पोलिटिकल यूगो ग्रोशियस ने एक्सपाउंड किया अपनी बुक मारा लेबरम में इस बुक का अपना नाम अपने कॉन्सेप्ट मिला लिटरली मारा लेबरम का मतलब होता है फ्री सी फ्री सी के कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ग्रोशियस ने सिर्फ एक बनी बनाई थ्योरी को एलाबोरेट किया इन स्कॉलर्स का मानना है कि फ्री सी का कॉन्सेप्ट स्पेश ज्यूरिस्ट ने प्रपाउंड किया था सिक्सटीन सेंचुरी में पर इधर हमारा ये जानना जरूरी है कि पॉर्चुगे और स्पेनिश कलोनियल रिजीम्स की मनोपली ओवर द सीज को ओवरथ्रो करना ग्रोशियस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था ग्रोशियस ने अपनी फ्री सीज़ वाली आर्ग्यूमेंट के फेवर में ये पॉजिट किया कि सभी प्रॉपर्टी पोजेशन या ऑक्यूपेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है इस वजह से मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लोज़ किया जाता है इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ सीज या इनक्लोज ना हो पाए वो प्रॉपर्टी बनाई नहीं जा सकती दस सीज को प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता है ग्रोशियस का दूसरा कंटेंशन ये था कि किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई या पोजेस करने का राइट उसकी एग्जॉस्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है इसके रिगार्डिंग ग्रोशियस ने आर्ग्यू किया कि सीज ह्यूमन यूजेज से एग्जॉस्ट नहीं हो सकती हैं मारा लिबरम के अगेंस्ट मारकलॉजम थ्योरी को फॉरवर्ड किया गया बाय जॉन साल्डन सल्डन एक इंग्लिश मैन थे जो क्राउन के आर्डेंट सपोर्टर्स हैं थे। उनकी थ्योरी मारेक्जम लिटरली मीन करती है क्लोज्ड सी सल्डन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए एडमिट किया कि कोई भी स्टेट किसी को नहीं रोक सकता है उसके सराउंडिंग सीज नेविगेट करने के लिए पर स्टेट अपनी सराउंडिंग सीज को अप्रोप्रिएट कर सकता है इस थ्योरी से साल्डन सीज की नेविगेशन को फ्री रखने वाली आर्ग्यूमेंट को ब्रिटेन के राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ़ सराउंडिंग वाटर्स वाली क्लेम्स के साथ बैलेंस करना चाहते थे आगे बढ़ते हुए हम लॉ ऑफ़ द सी को बनाने वाली रीसेंट डेवलपमेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में देखेंगे और डिस्कस करेंगे पिछली सेंचुरी तक चलने वाली फ्री सीज के कॉन्सेप्ट को पहली बार ऑपोजिशन तब मिली जब यूएस प्रेसिडेंट हैरी टूमिन ने यह प्रोक्लेम किया कि यूएस के कोस्ट के पास वाली हाई सीज के नीचे लोकेटेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सीबेड और सबसॉइल की नेचुरल रिसोर्स यूएस को बिलोंग करती है इस प्रोक्लेमेशन से हाई सीज से रिलेटेड बाकी स्टेट्स के नेविगेशनल राइट अफेक्ट नहीं हुए पर हाई सीज के नीचे स्थित कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अप्रोप्रिएशन के थ्रू हाई सीज के रिसोर्सेज की जुरिस्टिक्शन अफेक्ट हुई इस प्रोक्लेमेशन के बाद हुई यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी या फिर अनक्लॉस वन Is conference ki se char conventions formulate ye conventions hain. 1 the convention on the territorial sea and the contiguous zone CTS 2 the convention on the high seas CHS 3 the convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas CFCLR and 4 the convention on the continental shelf CCS. अन क्लास वन के बाद कन्वीन की गई अन क्लास टू टेरिटोल सी के लिमिट डिसाइड करने के लिए पर इस कॉन्फ्रेंस से कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आ पाया अन क्लास वन और टू के बाद आया पार्ड प्रपोजल 1967 में औरविड पार्डो मोल्टो के डिप्लोमैट थे जिन्होंने यू एन जनरल असेंबली में एक इंटरनेशनल रोजीम के क्रिएशन को प्रपोज किया जो नेशनल जुरिस्टिक्शन से बाहर के सी बेड और ओशन फ्लोर के रिसोर्सेस को मैनकाइंड की कॉमन हेरिटेज मान के ह्यूमन के बेनिफिट के लिए काम करें जनरल असेंबली ने पार्डो के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और एक सी बेड कमेटी बनाई अनको थ्री की प्रेपरेशन के लिए पार्डो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद यू एनजी ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया द्लोरेशन ऑफ प्रिंसिपल गनिंग द सी बेड एंड ओशन फ्लोर इस रेजोल्यूशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया

अन क्लास थ्री में मेराटाइम जोन्स को लेकर इश्यूज़ एड्रेस किए गए और कोस्टल स्टेट्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिसाइड की गई रिगार्डिंग द एक्सप्लोइटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोस फाइनली नाइनटीन एटी टू में अन क्लास थ्री ने प्रोड्यूस किए थे यूनाइटेड नेशनस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जिसको आज अनकॉस भी बोला जाता है अनकलॉस नाइनटीन नाइनटी फोर में एनफोर्स किया गया और उस टाइम पे उसको सिक्सटी कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था इंटरनेशनल लॉ के अंडर अनकॉस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ में से एक माना जाता है एज ये ट्रीटी एक ग्लोबल लेवल पर स्टेट्स की रिसोर्स को अफेक्ट करती है एज ऑफ अगस्त 2023 ट्वेंटी अनकलॉस के 157 सिग्नेटरीज और इसकी 169 सिक्सटी पार्टीज हैं अब हम बात करेंगे मेराटाइम ज़ोन्स की मेराटाइम जोन्स बेसिकली सीज़ के डिफरेंट रीजनस को रेफर करने के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है मेरीटाइम जोन्स में स्पेसिफाइड रीजन्स अनक्लॉस में डिफाइंड हैं इन डिफरेंट रीजनस को क्लासीफाई करना जरूरी इसलिए समझा जाता है ताकि कोस्टल स्टेट्स की जुरिस्टिक्शन को स्पेसिफाई किया जा सके और मरीन रिसोर्स की मैनेजमेंट एफिशियंट और बिना किसी डिस्प्यूट के हो सके अब हम देखेंगे कि मेरेटाइम जोन्स के अंदर कौन से कौन से एरियाज़ क्लासीफाइड हैं और उनका नाम क्या है अनकलॉस के अंडर दिए गए मरीन जोन्स हैं वन टेरिटोरियल सी टू कॉन्टिग्रेस जोन थ्री कॉन्टीनेंटल शव फोर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फाइव हाई सीज इन सभी क्लासिफिकेशन को अब हम डिटेल में जानेंगे टेरिटोरियल सी को डिफाइन किया गया है अनकलॉस के आर्टिकल टू में आर्टिकल टू के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल सी असेंशली कोस्टल स्टेट की कोस्ट के सराउंडिंग वाटर्स को कहा जाता है इन वाटर्स के ऊपर कोस्टल स्टेट अपनी फुल सॉनिटी एक्सरसाइज कर सकता है सब्जेक्ट सम के अंडर टेरिटोरियल सी के की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं वन टेरिटोरियल सी कोस्टल स्टेट के कोस्टल बेसलाइन से ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करती है टू टेरिटोरियल सी पे कोस्टल स्टेट की फुल जुरिस्टिक्शन होती है इस रीजन के अंदर एक कोस्टल स्टेट फॉरेन वेसल्स पे भी अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है थ्री अनक्रॉस फॉरेन वेसल्स को इनोसेंट पैसेज का राइट right देता है किसी भी कोस्टल स्टेट की टेरिटोरियल सी के अंदर इनोसेंट पैसेज के अंदर एक फॉरेन वैसल को तब तक पैसेज दिया जाएगा जब तक वो किसी ऐसी एक्टिविटी में ना एंगेज करे जो कोस्टल स्टेट के पीस ऑर्डर और सिक्योरिटी को एडवर्सली अफेक्ट ना करे इनोसेंट पैसेज एक जनरल कॉन्सेप्ट है पर उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना कोस्टल स्टेट की अथॉरिटी के अंदर होता है फोर अगर एक स्टेट कई आइलैंड्स का कॉम्ग्रिगेशन है या कई आइलैंड से बना हुआ है तो उस स्टेट की टेरिटोरियल सी की मेजरमेंट उस स्टेट के आउटर मोस्ट आइल से शुरू होगी गई ट्वेल्व नोटिकल माइल्स तक फाइव टेरिटोरियल सी के आगे शुरू होता है कंटिगस जोन ये जोन टेरिटोरियल सी के एंड से शुरू होता है ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक इस जोन के अंदर कोस्टल स्टेट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है कुछ हद तक अब आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिफाइन किया गया है अनक्लॉस के आर्टिकल 76 में कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक कोस्टल स्टेट की सबमर्ज्ड लैंड को कहा जाता है यानी कोस्टल स्टेट का वो पार्ट जो पानी के नीचे डूबा हुआ हो कोस्टल स्टेट का कॉन्टिनेंटल शाफ शुरू होता है उसके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स या 370.4 सेवेंटी किलोमीटर्स तक इस रीजन के सभी रिसोर्स एंजॉय किए जाते हैं कोस्टल स्टेट्स द्वारा और ये उनका एक्सक्लूसिव राइट right होता है अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शाफ के की एस्पेक्ट्स की वन कोस्टल स्टेट्स के पास सॉवरन राइट right होता है अपने कॉन्टीनेंटल शाफ के ऊपर ये स्टेट्स अपने कॉन्टिनेंटल शाफ के नेचुरल रिसोस एक्सपॉर्ट करने के लिए फुल्ली ऑथराइज होते हैं टू अनकलॉस में कॉन्टीनेंटल शाफ की लिमिट टू हंड नोटिकल माइल्स तक क्लियरली डिफाइन की हुई है पर अगर किसी कोस्टल स्टेट का कॉन्टीनेंटल शाफ टू हंड्रेड नोटिकल माइल से ज्यादा एक्सटेंड करता है तो कोस्टल स्टेट अपने कॉन्टीनेंटल शाफ की लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है टू हंड्रेड नोटिकल माइल से आगे ऐसे केसेज में कोस्टल स्टेट को साइंटिफिक डेटा सबमिट करना पड़ता है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टीनेंटल शर्फ को अपना क्लेम जस्टिफाई करते हुए थ्री कॉन्टीनेंटल शार्फ के रिसोर्सेज को दूसरे स्टेट्स भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं गिवन दैट दे आर ईदर लैंड लॉक्ड और जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड अनकलॉस का ये प्रोविजन एक्विटी में बेस्ड है फोर अनकलॉस अपने प्रोविजन में ये भी इन्विजन करता है कि कोस्टल स्टेट्स अपने कॉन्टिनेंटल शाफ़ के एक्सप्लोरेशन और एक्सपॉटेशन को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करे जिससे कि मरीन इन्वायरमेंट पल्यूट ना हो और प्रोटेक्टेड रहे फाइव कोस्टल स्टेट्स पे यह भी ऑप्लीकेशन बनती है कि वो अपने कॉन्टिनेंटल शाफ पर एक्सरसाइज़ किए जाने वाले राइट्स इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में ना करें इसके साथ ही अनकलॉस ये भी स्टेट करता है कि कोस्टल स्टेट्स अपनी जुरिस्टिक्शन इन्फोर्स करने में दूसरे स्टेट्स के नेविगेशनल राइट्स और फ्रीडम्स को इन्फ्रेंज ना करें सिक्स अनक्लॉस के अंडर इस्टैब्लिश्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कमीशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कोस्टल स्टेट्स को अपने कॉन्टिनेंटल शैफ्स के आउटर लिमिट्स डिटरमिन करने में हेल्प करती है जैसे कॉन्टीनेंटल शेल्फ बात करता है कोस्टल स्टेट के सबमर्ज लैंड की 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक वैसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बात करता है कोस्टल स्टेट के वाटर्स की टेरिटोरियल सी के एंड से टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक अब आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के फीचर्स पर वन कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नेचुरल रिसोर्स पर कोस्टल स्टेट के एब्सोल्यूट सॉवरेन राइट्स होते हैं ई e ईजीज -E पर कोस्टल स्टेट लॉज बना और इन्फोर्स कर सकती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्लूड करते हैं जैसे कि फ़िशिंग माइनिंग और एनर्जी एक्सप्लोरेशन थ्री ईजीज़ पर बेशक कोस्टल स्टेट के एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं पर बाकी स्टेट्स को कोस्टल स्टेट के ईईजी e -E पर नेविगेशनल ओवरफ्लाइट सबमरीन केबल्स लगाने के और पाइपलाइंस लगाने के राइट्स देता है फोर कोस्टल स्टेट्स अपने ईजीज के रिसोर्सेज की सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कॉन्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ई ईजीज के अंदर की सी बेड और सब इंटरनेशनल सी बेड की पार्ट मानी जाती है इसमें कॉन्टीनेंटल शॉल्फ के आगे एक्सटेंड होने वाली सी बेड और सब सॉइल को इंटरनेशनल सी बेड कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल सी बेड की एक्सप्लोरेशन और उसके रिसोर्स की एक्सप्लेशन पर ज्योरिस्टिक्शन होती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास सिक्स अनकलॉस नेबरिंग कोस्टल स्टेट्स की ई ईजीज़ के डिलिमिटेशन पर यह प्रोवाइड करता है कि जहां दो कोस्टल स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स से कम हो वहां ई ईजीज़ की डिलिमिटेशन उनके बीच अग्रीमेंट के थ्रू सेटल की जानी चाहिए सेवन कॉन्टीनेंटल शेल्फ और ई ईजी सिमिलर साउंड करते हैं पर दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कोस्टल स्टेट की कोस्टल बेसलाइन से शुरू होता है और ईजी कोस्टल स्टेट की टेरिटोरियल सी के एंड से अगला मेरेटाइम जोन है हाई सीज हाई सीज शुरू होती हैं एक कोस्टल स्टेट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद हाई सीज का दूसरा नाम है इंटरनेशनल वाटर्स और ये पूरी अर्थ का टू थर्ड सरफेस एरिया कवर करती हैं हाई सीज किसी भी स्टेट की जोरिस्टिक्शन के अंडर नहीं आती है और इनको सभी स्टेट के कॉमन रिसोर्स माना जाता है हाई सीज़ के की फीचर्स हैं वन हाई सीज का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है फ्रीडम अंकलॉस हर स्टेट को हाई सीज के रिलेशन में यहाँ दी गई फ्रीडम ग्रांट करता है टू हाई सीज़ के ऊपर कोई स्टेट सॉवरिटी नहीं क्लेम कर सकता है क्योंकि हाई सीज़ को रेसनलियस कंसिडर किया जाता है रेसनलियस रोमन लॉ का कॉन्सेप्ट है जो डिनोट करता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट ओनरशिप में नहीं आ सकती थ्री स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिगार्ड्स टू हाई सीज़ ये होती है कि स्टेट्स को हाई सीज़ की फ्रीडम एंडेंजर करने वाले एक्ट्स से या हाई सीज से रिलेटेड लॉज को अंडरमाइन करने वाले एक्ट से रिफ्रेन करना होता है फोर हाई सीज़ की रिसोस पर सभी स्टेट्स का इक्वल क्लेम होता है पर स्टेट्स की ऑब्लिगेशन बनती है अंडर अनकॉस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व मरीन इन्वायरमेंट फाइव अनकॉस पायरेसी और बाकी मेरेटाइम क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए स्टेट्स की कोऑपरेशन मांगता है स्पेशली इन रिलेशन टू द हाई सीज अब आते हैं डिलिमिटेशन ऑफ एडजेसेंट एंड ऑपोजिट मेरा बाउंड्रीज पर सी लॉज के अंदर नेबरिंग कोस्टल स्टेट्स की मेरेटाइम बाउंड्रीज फिक्स करना एक इंपॉर्टेंट इशू है ऐसी सिचुएशन में कोस्टल स्टेट्स या तो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं या तो ऑपोजिट शोर पर इन केसेस में कोस्टल स्टेट्स की मैरेटाइम बाउंड्रीज फिक्स करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि दोनों स्टेट्स के बीच ज्यूरिस्टिक्शनल डिस्प्यूट अराइज ना हो इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए अनकलॉस एक्विटेबल प्रिंसिपल्स के यूज़ को प्रमोट करता है जिससे दोनों स्टेट्स के इंटरेस्ट और राइट्स मेंटेन हो पाएँ डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग अनक्लॉस पीसफुल सेटलमेंट इंकरेज करता है बाय द मीस ऑफ निगोशिएशन ऑर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड एजुडिकेशन बाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स एडजेसेंट और ऑपोजिट मेरा बाउंड्रीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है अब हम जानेंगे कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन बेसिकली मैनकाइंड की सार्वजनिक विरासत को रेफर करता है

एक्विटेबल एंड बेनिफिट कॉमन है प्रमोट करता है इसके अंडर सभी आई एस ए के रिसोर्सेशन और एक्सप्लोरेशन में पार्ट ले सकती है रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट या साइज थ्री इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंटरनेशनल सीबेड एरिया इंटरनेशनल लॉ के रूल्स और रेगुलेशन से गवर्न होता है और आई एस ए को सुपरवाइज और गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी हैथोरिटी फोर रिडिट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन काइंड का प्रिंसिपल ये भी स्टेट करता है कि इंटरनेशनल सीबर एरिया में पाई गई रिसोर्सेज की रिडिट्रीब्यूशन होनी चाहिए उन स्टेट्स में जो सीबर माइनिंग ऑपरेशन में पार्ट नहीं ले सकती ड्यू टू लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इसके अंडर इंटरनेशनल सीबर अथॉरिटी को रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ सीबर रिसोर्सेज अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल सीबेड माइनिंग इंटरनेशनल सी बेड माइनिंग सिंपली उस एक्टिविटी का नाम है जिससे इंटरनेशनल सी बेड एरिया की एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स एक्सप्लोटेशन की जाती है इंटरनेशनल सी बेड एरिया को गवर्न करने वाली लेजिस्लेशन अनकलॉस है और उसकी अथॉरिटी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास रेस्ट करती है सी बेड माइनिंग की एक अप्रोच को जानना ज़रूरी है इस अप्रोच का नाम है पैरेलल सिस्टम ऑफ माइनिंग इस अप्रोच को दो फेजेस में कैरी आउट किया जाता है वन एक्सप्लोरेशन फ़ेज़ इस फेज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड कंट्रीज़ को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है लाइसेंस ग्रांट होने के बाद कंट्रीज़ किसी भी स्पेसिफिक एरिया के सी बेड के मिनरल डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई और असेस करती हैं टू एक्सप्लोइटेशन फेज़ जब कंट्रीज़ को पोटेंशियली रिच मिनरल डिपॉजिट्स मिल जाते हैं तब वो एक्सप्लोइटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई करती हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इन एप्लीकेशंस को रिव्यू करती हैं और इंश्योर करती हैं कि कंट्रीज़ के प्रपोज्ड एप्लीकेशंस इन्वायरमेंटल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स से कम्प्लाई करें पैरालल सिस्टम ऑफ़ माइनिंग अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाउ करता है एक साथ काम करने के लिए आई के डिफरेंट लोकेशन पर इस मेथड से सीबेड माइनिंग ऑपरेशन की एफिशेंसी बढ़ती है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी अब हम बात करेंगे इंडिया के मेरेटाइम इंटरवेस्ट पॉलिसी और लॉ की इंडिया के मेरेटाइम इंटरवेस्ट दिए गए पॉइंट्स में समझाए जा सकते हैं अब आते हैं इंडिया की कुछ मेरेटाइम पॉलिसीज़ पर इंडिया की मेरेटाइम पॉलिसीज़ का मेन एम है इंडियन मेरेटाइम इंटरवेस्ट्स को प्रमोट करना इसके साथ ही इंडिया अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इंश्योर करता है रीजनल स्टेबिलिटी कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया की कुछ मेरेटाइम पॉलिसीज़ और उनके फीचर्स हैं वन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन या सागर इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी है जो अपने नेबरिंग स्टेट्स के कोऑपरेशन द्वारा सराउंडिंग वाटर्स की सिक्योरिटी ग्रोथ और कंजर्वेशन को प्रमोट करती है टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी एम्ड है साउथ ईस्ट एशिया या आसियान के स्टेट्स की तरफ इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया अपने और साउथ ईस्ट एशिया के स्टेट्स के बीच के इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को स्ट्रेंदन करना चाहता है इंडिया अपनी मैरिटाइम पॉलिसीज में ब्लू इकॉनमी वाला प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट करती है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ब्लू इकोनॉमी ओशंस के रिसोर्सेज को यूज़ करने का एक सस्टेनेबल तरीका होता है जिससे कि स्टेट इकानमीज बेनिफिट हो पाए और ओशंस के इको की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो फाइव इंडिया अपने मेरेटाइम डोमेन अवेयरनेस की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीजिंगली इंप्रूव कर रहा है जिससे कि वो अपने मैरिटाइम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके सिक्योरिटी थ्रेट्स के अगेंस्ट स्विफ्टली एक्शन ले पाए और अपने वाटर्स में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंट कर सकें इंटरनेशनल मेरा टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डोमेन अवेयरनेस सिंपली एक स्टेट के मेरा डोमेन या एरिया के अंदर प्रेजेंट किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को रेफर करता है जो उस स्टेट के सिक्योरिटी सेफ्टी इकॉमी या मरीन इन्वायमेंट को इम्पैक्ट करे फाइव इंडिया रेगुलरली रीजनल और मल्टी नेशनल फोरम्स में एक्टिवली कोऑपरेशन कलेक्टिव एक्शन और डायलॉग प्रमोट करता है मेरा टाइम इशूज को लेकर अब बात करते हैं इंडिया के मेरेटाइम लॉज के बारे में इंडिया के मेरी लॉज जनरली गवर्न होते हैं इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 से जो कवर करता है शिपिंग नेविगेशन और मेरेटाइम कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज का मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कोस्टल जोन मैनेजमेंट और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया ने स्पेसिफिक लेजिसलेशन लाई हैं इन लेस्लेश में सबसे रिसेंट है एडमिरल्टी एक्ट ऑफ 2017। फिर आता है द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978, जो इंडिया के मेरीटाइम इंटरेस्ट्स और मैरिटाइम लॉ को एनफोर्स करने वाली एजेंसी को इस्टैब्लिश करता है इस एजेंसी का नाम है द इंडियन कोस्ट गार्ड इस लेक्चर को कंक्लूड करते हुए हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी या इटलॉस को UNCLOS ने किया एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी जो अनकलॉस के इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करें इटलॉस का एच है हैम्बर्ग जर्मनी में और उसकी जुरिस्टिक्शन है सी लॉस को लेकर सभी मैटर्स की इटलॉस के की फीचर्स और फंक्शन इंक्लूड करते हैं वन लॉस के पास ज्यूरस्टिक्शन होती है उन सभी केसेस को अड करने की जो सी लॉस से रिलेटेड हो ये केसेस सबमिट की जा सकती हैं बाय स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी कोई भी एंटिटी जो अनक लॉस के पार्टीज हों टू कॉम्पोजिशन लॉस की कॉम्पोजिशन ट्वेंटी वन जजेस से कम्प्राइज करती हैं जो डिफरेंट स्टेट से इलेक्टेड होती हैं इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है स्टेट पार्टीज की मीटिंग्स के द्वारा थ्री इट लॉस अपने फंक्शंस कैरी आउट करता है दो चम्बर्स के थ्रू द ट्रिब्यूनल एंड सीबर चेंटर जनरल के साथ डील करता है Whereas, वाला स्टेट के बाहर वाली सीबर और सब सॉइल वाले केसेस को हैंडल करता है फोर प्रोविजनल मेजर्स इटलॉस के पास पूरी अथॉरिटी होती है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग प्रोविजनल मेजर्स इफेक्चुएट करने की जब तक फाइनल जजमेंट इशू ना हो फ़ाइव एडवाइजरी ओपिनियन इट लॉस यू एन जी ए या बाकी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना एडवाइजरी ओपिनियन दे सकती है सी लॉज के रिगार्डिंग लीगल क्वेश्चन पर सिक्स बाइंडिंग डिसीजन इट लॉस के दिए गए डिसिजन डिस्प्यूट में इन्वॉल्व सभी पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होते हैं सेवन कम्पलाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इट लॉस के पास वैसे तो कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है पर सभी स्टेट्स पर ऑब्लिगेशन बनती है कि इट लॉस के डिलेवर डिसिजन को रिस्पेक्ट और इम्प्लीमेंट किया जाए अगर कोई पार्टी इट लॉस के डिसीजन के साथ कंप्लाई नहीं करती है तो अनकलॉस में उसके ऊपर प्रोविजंस दिए गए हैं इसके साथ ही लॉ ऑफ द सी का टॉपिक खत्म होता है इस टॉपिक के केसेस अलग वीडियो में दिए जाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग एफ ट्री लॉकट